आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक बहाली। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की नई पहल। वीडियो को आप अंत तक देखें। बहुत सारे प्रश्न आज जवाब दे रहे हैं हमारे शिक्षा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। तो चलिए, बिहार शिक्षक बहाली अब अंतिम चरण में है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कारण बिहार में तमाम स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं और इसके साथ ही जो नियोजन प्रक्रिया है वो भी रुकी पड़ी हुई है। हालांकि नियोजन को लेकर के लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी वो इंतजार कर रहे हैं और विशेष रूप से प्राइमरी टीचर्स का जो नियोजन है उसको लेकर बहुत सारी बातें जो है वो जानना चाहते हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हमारे साथ प्राइमरी डायरेक्टर हैं रंजीत कुमार सिंह। सर, क्या स्थिति है प्राइमरी नियोजन की? को पता है कि चली मेरिट लिस्ट जो है फाइनल दौर में था। कई जगहों पे ऑब्जेक्शन जो है वो आपत्ति जो है वो मंगाया जा रहा था। इस बीच में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक डायरेक्शन आया था कि जो डीएलएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी 30 दिन का मौका दिया जाए। इस अनुसंधान में हम लोगों ने लीगल उनसे हम जो ओपिनियन के लिए हमने भेजा था और एजी साहब से भी उस पर विमर्श हुआ है। विमर्श के आलोक में जैसे ही कोर्ट ओपन होता है उसके बाद जो कोर्ट का डायरेक्शन फाइनली होगा उसके आलोक में हम लोग नियोजन की प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट कर देंगे। जब कोरोना का माहौल या कोरोना की जो महामारी है उस समाप्त होने के बाद जनजीवन सामान्य हो जाएगा। जो नियोजन होने वाला है उसमें सरकार की क्या भूमिका है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि जो एनआईओ अभ्यर्थी है उनकी बड़ी संख्या है और उसको लेकर के फर्क जो पड़ा है, जो अभ्यर्थी एनआईओ के नहीं है वो भी इंतजार कर रहे हैं और जो है वो भी इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो मैं यही कह सकता हूँ कि जितनी जल्दी जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी उतना अच्छा रहेगा ताकि नियोजन की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो सके। प्राइमरी की इसीलिए रुकी हुई है, माध्यमिक की जो है हाई स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका चूंकि कोरोना के चलते रोका गया है, उसका फाइनल लिस्ट भी लगभग कई जगहों पर तैयार है। तो वो जैसे ही वो जनजीवन सामान्य होगा तो हाई स्कूल के टीचर्स तुरंत अपॉइंट हो जाएंगे। बट हमारे जो प्राइमरी के हैं, प्राइमरी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, कोर्ट के डायरेक्शन का हम लोग वेट करेंगे। एक और बड़ा सवाल है कि जो 2950 स्कूल खुलने वाले हैं उनको लेकर क्या है, वो उस पर बड़ा फर्क पड़ा है लॉकडाउन का। नाइन्थ क्लास की जो हर पंचायत में स्कूल हम लोग को ओपन करना था 1 अप्रैल से वो होना था न्यू सेशन में, लेकिन कोरोना के चलते चूंकि स्कूलें बंद है जैसे स्कूल ओपन होगी तो जो हम लोगों का नाइन्थ क्लास हर पंचायत में शुरू करना है वो निश्चित रूप से शुरू होगा। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो पाया है वहाँ पे हम लोग शिफ्ट में स्कूल चलाएंगे और जहाँ पे कक्षाएं अवेलेबल है वहाँ पे भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो जितने भी STET अभ्यर्थी हैं और बिहार में 125628 प्राथमिक शिक्षक नियोजन में जितने भी अभ्यर्थी ने अप्लाई किया है तो उनका जल्द ही समाधान निकल जाएगा और STET अभ्यर्थी के द्वारा पंचायतों में शिक्षक की नियुक्ति होना तय है, जैसा कि अभी आपने सुना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें ज़रूर कमेंट करें, अपना STET स्कोर हमें कमेंट करें, आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने सभी दोस्तों को शेयर करें।